ऋतु की बहारों में हरी भरी सारों में जानू रे मेरी डांडी काटों में भी जानू रे मेरी डांडी काटों में दिन होला तुड़ी तुड़ी धारी लैन लगी होली बंटों के घड़ी घड़ी याद सतों दे मैं गोका बाटा घाटों के रूड़ का दिन होला तुड़ी तुड़ी धारी आइडिया ठीक दिन नंबर सही आइडिया ओ साक्षी हाँ सीधा चलो लद द्वार भैंस कुछ आया लतक हो गया बल हेलो आज हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी मंदिर जो कि आपका पड़ता है रुद्रप्रयाग से पोखरी मार्ग पे करीब करीब 1 घंटे का रास्ता है रुद्रप्रयाग से पोखरी मार्ग पे और जो मंदिर है यहाँ से नहीं दिख रहा है ऊपर से दिखेगा ये हमारी टीम ये एक टीम है ये दो टीम है टीम और ये पीछे से कुछ लोग और आ रहे हैं हमारे साथ के बहुत अच्छा मौसम है आज नवंबर का टाइम है ठंड बिल्कुल भी नहीं है अच्छी धूप खिली हुई है बांज के पेड़ वो रहा आपका मंदिर ऊपर पहाड़ी में जो दिख रहा है वो मंदिर है कार्तिक स्वामी भगवान का कार्तिक स्वामी मंदिर जो है वो भगवान भोले के जो ज्येष्ठ पुत्र है कार्तिकेय उनको समर्पित है और उन्हीं की यहाँ पर पूजा अर्चना होती है तो ये पैदल का रास्ता काफी अच्छा आप देख सकते हैं मेरे पीछे खूब चौड़ा है और करीब सड़क मार्ग से 3 या 4 किलोमीटर का ये रास्ता है मंदिर तक जाने का और मतलब बिल्कुल भी थकान का आभास आपको नहीं होगा क्योंकि चढ़ाई बिल्कुल नहीं है एकदम से ऐसे 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 करके रास्ता जा रहा है और करीब सड़क मार्ग से 3 या 4 किलोमीटर लग जाते हैं ऊपर जाने में और ये देख सकते हैं आप रास्ते के ऊपर नीचे जो ये पेड़ दिख रहे हैं बांज बुरांस के पेड़ हैं और आई थिंक फरवरी मार्च के टाइम पे यहाँ पे जो बुरांस का जो पुष्प है अपना तो उन सब के जो है एक मनमोहक दृश्य इस रास्ते में बन जाता है और ये हमारे साथ मिस्टर अमन जी कैमरामैन ये जो है सेकंड कैमरे से शूट कर रहे हैं चौखम्बा का सुंदर सा दृश्य मतलब ये दृश्य आपको आप गाड़ी में आ रहे होंगे इधर तब भी दिखेगा और आप पैदल रास्ते चलेंगे तब भी दिखेगा तो ये कुछ ऐसे प्राकृतिक दृश्य यहाँ पे आपको मिलेंगे कि आपको रास्ते में बिल्कुल भी थकान का आभास नहीं होगा और इस तरफ मेरे पीछे मंदिर ऊपर चोटी आपको दिख रही है बिल्कुल जहां तक आपकी नजर पहुंच रही है ये आपका कार्तिकेय का मंदिर वहां है कार्तिक स्वामी और इसी का नाम है कार्तिक स्वामी का डांडा मेरे इस तरफ आप देख सकते हैं हिमालय का सुंदर सा व्यू
ये चौखंबा है, चौखंबा तो कई गांव से दिखाई देता है। यस, और ये है सबसे लेजी गर्ल्स, इनके साथ के लोग इतने ऊपर पहुंच चुके हैं, ये लोग अभी तक जो है हवा रहे। हाँ, तो स्पेशल दुबई से आए हैं, बुर्ज खलीफा के नीचे रहते हैं। भगवान कार्तिकेय के दर्शन करने दुबई से आए हैं, और आज की इस जो ट्रिप टूर हमारा इधर का है, यात्रा है, इसके स्पॉन्सर भी यही है। ठीक है भैया जी, मेन केशर इन्वेस्टर ढूंढ के लाए, इन्वेस्टर ढूंढ के लाए अपने साथ में, तो कार्तिक स्वामी का। हम अपनी लाइव जो आंखें हमारी आंखों का पिक्सल जो है कैमरे से बहुत ज्यादा है, तो हमारी आंखों से यहाँ प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पे कुछ अभी पूजा वूजा का आयोजन चल रहा है, तो काफी ज्यादा मात्रा में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, और हल्की हल्की सी जो ढोल धमाओं की आवाजें हैं वो भी सुनाई दे रही है। चाली मैं भी ना तेरो सूरी माँ, डांडा चाली जोला मेरी सूरी माँ, चौमासों का दिन वो सूरी माँ, योगा मिला बारा मेरी सूरी माँ, तू चाली मैं भी ना तेरो सूरी माँ। आप करीब करीब 75% का रास्ता कंप्लीट कर चुके हैं, और फिर से एक अलग सा दृश्य इस तरफ, बिल्कुल सुंदर सा नज़ारा। खैर कैमरे में हाँ आ गया, आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा इस तरफ का, पर्वतों की लेयर बनी हुई अच्छी अच्छी। ये साथी मित्रगण यहाँ पे सेल्फी का आनंद लेते हुए, और बाकी के लोग आगे जा चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा विश्राम गृह भी बनाया है, अगर आप थक जाते हैं और लंच वगैरह आपको करना होगा तो यहाँ पे कर सकते हैं। सावधान कार्य प्रगति पर है, और जय कार्तिकेय। और अब हम आ चुके हैं लगभग अपने यात्रा के अंतिम पड़ाव पे, यहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता सामने से, और ये हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव, काफी चैन की सांस ले रहे हैं अब हम सब। और इस तरफ मेरा आप देख सकते हैं, ये है मंदिर, ये इस तरह आप देख सकते हैं ये मंदिर, और ये लास्ट पर्वत श्रृंखला है जिस पर हम अपना यात्रा प्रारंभ करेंगे, और भगवान कार्तिकेय के दर्शन करेंगे। थकान लगी आपको? नहीं लगी? थौ भी लगी? तोते थौ नहीं लगी? तोते भी लगी थौ कितिया? अच्छा, तो ये बालिकाएं जो है दोनों बहुत थक चुकी हैं। दोनों तो खाल अपने सकल दिखा, दोनों कुछ इनसे, दोनों बालिकाएं जो है बहुत थक चुकी है रास्ते में।
क्रिया शुरू हो चुकी है मंदिर की। इधर देखो, पीछे देखो, मैं ऊपर से दिखाता हूँ ना। बहुत प्यारा सा सीन, ये देखिए है ना, मजेदार, बहुत प्यारा है। कैमरे में पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन लाइव जो व्यू है इसका गजब। और ये इस तरफ से इस तरह ऐसा, सामने हिमालय की लेयर। गलत है, यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ खड़े हो जाओ ना, किनारे पे आगे मत जाओ, कि यहाँ खड़े हो जाओ। कैसा लगा आपको ये पोज, ये जगह? बहुत खतरनाक, मजेदार नहीं, डेंजर, एडवेंचर। जगह बढ़िया है लेकिन डेंजर भी है थोड़ी, तो संभल के रहना। नीचे जाने की जरूरत नहीं, यही से आप आराम से देख सकते हैं। दूर से नीचे जाएंगे तो आपको मीटर खाई दोबारा घूम के आना पड़ेगा। कैसा है वो पता नहीं, घूम के आना पड़ेगा ना ऊपर, उसका प्रोसेस भी अलग हो जाएगा दूसरा है। इसलिए ऐसी जगह पर बिल्कुल सावधानी से एम्बुलेंस भेजनी पड़ेगी। हाँ, एम्बुलेंस आने के लिए भी नहीं है ना, दिक्कत नहीं। वो यमराज लेंगे ना, फोन के एम्बुलेंस आई। तो इसलिए ऐसी जगह पर बिल्कुल सावधानी से जो है, चारों तरफ एकदम सुंदर प्यारे प्यारे प्रकृति के दृश्य। और ज्यादा किनारे में जा नहीं सकता हूँ, बिल्कुल बहुत डेंजर। नीचे खाई है बड़ी, लेकिन अगर आप खाई को ना देखें, सीधे सामने देखें तो बहुत प्यारे प्यारे दृश्य है। बाकी ये ऊपर मंदिर के मार्ग जाने का रास्ता है। दाणी कका जिंदुम, कका जिंदुम है, कका का जो गुदुर है, क्या गो बनो क्या तुम्हार मत आओ का क्यों मैं तुम गाड़ी में आएंगे तेन पैदल पढ़वाया है। तुम भाई समापन हो गया क्या ऊपर पंडोसा जाए ना, इज अभी वही है। अच्छा आप लोग कहाँ के हो, हैं? सुमारी, सुमारी नहीं है, सुमारी कहाँ पड़ता है? अच्छा पैदल आए होंगे गाड़ी से। अच्छा चलो बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। ऊपर जो है मंदिर प्रांगण में पांडव लोग आए हुए हैं, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सबके दर्शन आपको जो है कार्तिक भगवान के साथ साथ हो जाएंगे। बेसिकली पहाड़ों में जो है इस सीजन में पांडव नृत्य का चलन है, खासकर जो रुद्रप्रयाग चमोली के जो गांव है यहां पर इन दिनों लोग अपने गांव में पांडव नृत्य का आयोजन करते हैं। आसमान आप देख सकते हैं पूरा नीला है, और जहां जहां आप नजर फिराओगे आपको प्रकृति के एक से बढ़कर एक नजारे देखने को मिलेंगे। वाव, थोक भी लगी, थोक थोक देती चले। वो यहाँ पर पीछे भैरव बाबा जी का मंदिर, बुआ जी साथ में हमारे गाइड। और इस सामने जो दिख रहा है आपको, यहाँ मंदिर है बिल्कुल टॉप में, वहां से भी दिखाया था मैंने नीचे से जंगल से।
टॉप में मंदिर है, काफी क्राउड देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो आगे जाके बाकी की अपडेट। अब वहां से पेड़ पौधे भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डेंगे वो मेरी बात है, डेंगे मैंने कहा मेरी बात लगा से ना। सामने बहुत प्यारा सा दृश्य, हिमालय पर्वत श्रेणी। मैंने तो खाना दिखाया, मेरे को भी जहाँ तक लग गई है। और ये देख सकते हैं आप, मंदिर की सीढ़ियां शुरू हो चुकी हैं ऊपर। यहाँ के औकात पर नगरी भी जाती है। घंटी बजाओ, आगे बढ़ो। आरा, ये कौन ले गया इससे? वखी हमरा गौछन भेजी, वखी हमरा गौछन भेजी।
तो अभी हम वापसी आ चुके हैं भगवान कार्तिकेय के दर्शन करके। काफी अच्छा लगा, काफी अच्छा क्राउड था वहां पर। तो हमारे साथ के जो लोग हैं वो नीचे पहुंच गए हैं और इन दोनों की वजह से मैं पीछे रह गया हूँ। बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं, एक छोटा सा बैग है उसको भी नहीं उठा पा रहे हैं।